दीदी मस्त दिख रही है। हाँ सच में कितना मस्त दिख रही है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं अभी रात का 10 बजे बना रहा हूँ। ये वीडियो देखो 10:17 हो रहा है और आज है 5 तारीख। और ये वाला वीडियो ठोको मैं ना 6 तारीख का व्लॉग में ऐड करूंगा। तो आज रात से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया है कर्मा पर्व का। तो देखो गाइस ये है मेरा दीपू भैया। आज रात से ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल दिन में क्या करेंगे पता नहीं। इधर राहुल ये राहुल है। Few moments later. Hey guys, good morning. तो अभी सुबह हो चुका है और मैं अभी उठ गया हूँ। अभी उठा, मैं सोया था। तो अभी 5:47 हो रहा है। टाइम दिखा के नहीं, दिखता भी नहीं है कई बार अच्छा से। तो सुबह सुबह मुझे काम मिला है। क्या काम मिला है देखो। ये देखो, ये है केंदु का डाल सब। ये सबको खेत में गाड़ना है। ये काम मिला है। माँ तो सोई है ना। माँ अभी तक नहीं उठी है। माँ इधर सोई है देखो। आज बहुत सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल वाला ब्लॉग भी जोड़ना था, कल रात वाला ठो। तो आज सुबह से मतलब कि मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट ही किया है, मतलब कि बनाना स्टार्ट किया। बनाना मतलब कल तो स्टार्ट कर दिया था मतलब कि। तो माँ सोई है, उठ गई ना। हाँ माँ उठ गई। चलो बोलते है ना आप लोग माँ को भी देखना होता है। तो माँ सोई है, क्या दिखाएंगे। माँ भी सोई है इधर। तो माँ को सोने देते हैं, नींद लग रहा ना का सुबह, लेकिन हो गया। और दीदी इधर चूल्हा साफ कर रही है सुबह सुबह, जो कि रोजाना करती है। मैं आज दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं फिर से बाहर निकल गया हूँ। अभी माँ भी बाहर निकल गई। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन खेत जाएंगे ये सबको गाड़ने के लिए। तो माँ बताई हमको जाना है उधर बोल के। तो देखो ना माँ सुबह सुबह अभी अभी उठी है। और दीदी अंदर मन अलग लैंग्वेज से बात करती रहती है, उसको मैं इतना समझाता हूँ लेकिन समझती नहीं। मतलब कि अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अंदर में जो बात करेंगे ना वो भी कैच कर लेता है फोन। तो माँ देखो सुबह सुबह कितना क्यूट लग रही है, मस्त लग रही है ना। चलो नहा धोवा के फ्रेश होकर मिलेगी माँ। तो अभी तो फिलहाल मेरा सुबह सुबह का काम ये देखो, केंदु का डाल और सलगी का सरई। हाँ सरई का डाल है। तो इसको लेके जाना है और खेत में क्या बोलता है गाड़ना है ना खेत के बीच में। हाँ तो चलो गाड़ दो। अच्छा ठीक है, तो चलो गाड़ते हैं ये सबको। अरे और एगो है ये भेलवा का, उसको कहाँ गाड़ेंगे। गढ़ा में जो यहाँ कतवा फेंकते हैं गोबर सब फेंकते जगह कर दो इसको। हाँ इसको बाद में गाड़ेंगे, नहीं होगा हम चले। खेत पहुँचने से पहले देखो कितना मस्त खुला खुला रास्ता है। रास्ता नहीं है ये ना, मतलब कि आयर का बीच में वो रास्ता रहता है खेतों के बीच में, जो आड़ होता है ना। हाँ आड़ ही बोलता है। तो उसका बीच में वो रास्ता होता है देखो। तो अभी गाइज मैं खेत पहुंच गया हूँ। खेत आगे में है और थोड़ा सा। तो ये देखो इधर मैं आया था शायद एक दिन। हाँ इधर मैं आया था, उसका वीडियो बनाया था। हाँ मैं भूल जाता हूँ, मैं इधर आया था। तो आगे में खेत है, तो अभी खेत में ये सबको गाड़ देंगे। ये जो डाल सब है ना उसको खेत का बीच में गाड़ता है। तो चलो गाड़ते हैं। तो ये रहा गाइस हम लोग का खेत। ये देखो ये छोटा छोटा एक और उधर है दो, मतलब कि छोटा सा खेत है उसको दो भाग में बांट दिया है। तो दो गो हो गया है। तो दोनों खेत का बीच में एक एक गो ये डाल सबको गाड़ देना है। अरे अरे इधर झूठ। तो पानी भी नहीं है खेत में, कैसे गाड़ेंगे यार। ये देखो पानी भी नहीं है खेत में, कहाँ पानी नहीं दिख रहा है। तो फिर भी गाड़ना तो पड़ेगा, बीच में गाड़ता है बोलता है। तो पहले गाड़ लेते हैं, चलो पहले गाड़ते हैं। तो ये रहा गाइस मैंने गाड़ दिया एक गो। तो ये केंदु का डाल एक गो गाड़ दिए ये वाला खेत में, छोटा खेत है। और एक गो सारगी का डाल है उसको और पीछे वाला खेत में गाड़ देंगे। तो चलो इसको भी गाड़ते हैं। तो अभी दोनों खेत में गाड़ दिए, ये यहाँ पर गाड़ दिए सरगी का ये वाला खेत में गाड़ दिए, और केंदु वाला ठोका वो दो वहाँ पर गाड़ दिए। दिख रहा होगा, नहीं दिखा तो अलग बात है, पर उधर गाड़ दिए हैं। तो अभी चलेंगे घर, जो काम के लिए आए थे वो गाड़ दिए।
तो चलो ठीक है, बीच में गाने कि नहीं, बीच में है कि नहीं पता नहीं, चलो मुझे क्या पता। आज पहली बार, मतलब कि हर साल मैं नहीं आता हूँ ये गाड़ने के लिए, आज पहली बार। हाँ आज पहली बार, पहला साल है मैं खेत का बीच में ये गाड़ने के लिए आया था। तो फिर चलो चलते हैं घर अभी, तो चलो चलते हैं घर की ओर। तो अभी गाइस मैं घर पहुंच गया हूँ, तो घर तो पहुंच गया, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, आज बहुत जल्दी उठ गए थे और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो 6:16 हो रहा है, बहुत जल्दी मतलब कि आज का वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। और माँ इधर बैठी है, दिख रहा होगा, हाँ उधर माँ बैठी है और दीदी तो उधर काम कर रही है अपना। तो चलो मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं, क्योंकि रात को चार्ज नहीं लगाना चाहिए, तो मैं रात को चार्ज नहीं लगाता हूँ, तो मोबाइल में बैटरी भी कमती है, तो मोबाइल चार्ज करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो अभी चार्ज लगाना है, ये देखो ये रियलमी का चार्जर है, ये भी रियलमी का चार्जर है, हटाओ ये सबको, ये सब का काम नहीं है, मेरा पोको का चार्जर चाहिए, ये रहा टाइप सी वाला, तो ये चार्ज करेगा। अरे ऑन नहीं है, इधर ऑन कर लेते हैं पहले। हाँ ऑन हो गया, तो चलो चार्ज लगा देते हैं। तो अभी ना गाइस मैं जा रहा हूँ मनोहरपुर पिताजी के साथ, पिताजी का जो यहाँ पर बैंडेज बांधा हुआ है ना, वो बैंडेज को बदली करवाना है, मतलब कि उस दिन दो दिन हो गया, तो उसका बैंडेज को खुलवाना है और दूसरा वाला बैंडेज बंधवाना है। तो फिर चलो चलते हैं मनोहरपुर, तो चलो। तो पिताजी वो रहा मेडिकल पहुंच चुके हैं, तो अभी ना गाइस मनोहरपुर पहुंच चुके हैं और पिताजी मेडिकल का अंदर में बैठा हुआ है। मेडिकल यदि इधर है, देखो ये है मेडिकल, जय भवानी हेल्थ केयर सेंटर। तो अभी गाइस मैं मेडिकल का अंदर आ गया हूँ, पिताजी यदि इधर सोया है, सोया तो नहीं है, मतलब पिताजी का दोस्त ही है जो डॉक्टर है, तो पिताजी का इलाज कर रहा है, मतलब कि जो पट्टी था ना उसको हटा दिया है, तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है पिताजी। बाबू क्या? हाँ तो अभी पिताजी का बैंडेज खोल दिया गया और टेप साट दिया, टेप यहाँ पर टेप होता ना, बोले टेप मैं पॉकेट में पकड़ा हूँ, ये वाला टेप सबको माथा में साट दिया, यहाँ पर लगा है चोट, यहाँ पर फिला हुआ है और यहाँ थोड़ा चोट लगा था, तो यहाँ पर टेप साट दिया पिताजी का। तो चलो पिताजी का काम हो गया, जो काम के लिए आए थे, काम नहीं, जिसका बैंडेज हटवाना था, टेप हटवाना था, तो हो गया। तो अभी चलो घर चलते हैं। तो अभी गाइस घर पहुंच चुके हैं और मैंने नहाया भी नहीं है, टी शर्ट खाली बदली कर दिया था, तो नहाते हैं इसके बाद मिलते हैं। और माँ तो पूजा कर रही है उधर, घंटी बजा रही है, आ रही है माँ, तो माँ को भी देखेंगे बोलते हैं ना आप लोग, तो माँ को भी देख लो पूजा कर रही है, तो इधर इधर गई है, इधर ये रही माँ, तो माँ पूजा कर रही है अपना। तो अभी गाइस मैंने नहा लिया और मैं अपने रूम में हूँ, और अभी ना फिर से जाना है मनोहरपुर, तो मैं मनोहरपुर का नाम नहीं लूंगा बोलता हूँ, लेकिन मनोहरपुर तो अपना ही है, तो मनोहरपुर ही जाना पड़ता है। तो अभी शायद दीदी के साथ जाएंगे, तो चलो दीदी वो वाला घर में है, तो चलो दीदी के पास पहले चलते हैं। और अभी जो आवाज कर रहा है ना, से पे टे, ये ना मुंड खराब वाला आवाज सब है यार, मुझे बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन मेरा भैया का काम है, अब क्या ही बोल सकते हैं, पालंग बनवाता है घर में वो। तो अभी मैं ये वाला घर आ गया, तो माँ आदे यहाँ बैठी है, तो मैं ना ये लोग को थोड़ा डांट देता हूँ कि बात मत करना, चुपचाप रहना बोल देते हैं, ये लोग सादरी में बात करते हैं, सादरी सब लोग थोड़ा ना समझता है, तो मैं बोलता हूँ हिंदी में बात करना, तो माँ बोलती है बात करने के लिए मना करती है, बोल रही थी बता चलो, लेकिन सबसे ज्यादा सादरी में बात करने वाली ये है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि चलो तो कहाँ जाएंगे, मनोहरपुर अभी दीदी बोली मनोहरपुर जाना है, तो अभी दीदी के साथ जाएंगे मनोहरपुर, क्या करने जाएंगे बता, चलना मेरे सहेली आ रही है। अच्छा तो फिर चलो, इसका सहेली आ रही ने का, तो चलो चलते हैं। तो गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं और चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मनोहरपुर में मिलेंगे ना, चलो। तो अभी गाइस हम लोग मनोहरपुर पहुंच चुके हैं, मैं और दीदी दो जन आए हैं, तो वो अपना सहेली को कॉल की है, कहाँ कहाँ पहुँची पूछ रही है, तो अभी जाएंगे मार्केट सब्जी खरीदना, तो क्या बोल रही है, चलो मार्केट ही चलते हैं। वो अपना सहेली को कॉल की थी दीदी, तो पहुँच गई है आधा रास्ता,
लेकिन पहुंचने वाली है, तब तक मार्केट से सब्जी खरीद के ले आते हैं। तो अभी है मनोहरपुर का सीढ़ी में। मनोहरपुर का सीढ़ी मतलब कि स्टेशन का ऊपर वाला जो सीढ़ी रहता है ना स्टेशन, तो मनोहरपुर स्टेशन मैंने नहीं दिखाया है कि दिखाया पता नहीं। तो ये है मनोहरपुर स्टेशन, कुछ इस टाइप का है। तो मनोहरपुर स्टेशन को क्या ही दिखाना, यहाँ से ही तो दिखता है। और दीदी तो अपना चली है पूरा स्पीड से, चाल चलन चलन। दीदी ना कुछ बोलो कुछ तो। कैसे लग रहा है साथ में मार्केट जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए? अच्छा लगता है। तो क्या सब्जी खरीदेंगे? चलो क्या सब्जी खरीदेंगे देखो। सब्जी क्या सब्जी खरीदेंगे सोचे नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा मार्केट। तो ये है मनोहरपुर का मार्केट घुसने का शॉर्टकट रास्ता। क्या खरीदेगी? मार्केट पहुंच गए हैं, क्या खरीदेंगे समझ में नहीं आ रहा इसको। और कुछ खरीदना है तो बताओ। अभी क्या कान का देखेंगे बोल रही है। तो अभी ना गाइस आए थे मार्केट, तो मार्केटिंग कर लिए। क्या क्या खरीदे? टमाटर खरीदे, फिर भिंडी खरीदे, फिर गोभी खरीदे, और दीदी क्या खरीदेगी पता नहीं। इधर आए हैं अभी तो लड़की लोग का तो श्रृंगार, तो दीदी कुछ खरीदने वाली है। तो क्या खरीदेगी मैं नहीं जानता, लेकिन खरीदेंगे बोली। तो जाओ तुमको जो खरीदना खरीदो, मैं तो अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो दीदी अपना खरीद रही है, क्या खरीद रही है चलो देखते हैं। रिंचा, रिंचा ले रही है, रिंचा। इसको केलेचर बोलता है। तो बस तो 2 बजे है ना, बस तो 2 बजे है, लेकिन पहले पहुंचे रहेंगे तब तो, क्या कि वो पहली बार आ रही है। तो अगर हो सके तो उसको भी दिखाएंगे कि इसका सहेली कौन है। तो अगर दिखाने का मन, और वो क्या बोलेगी मेरा वीडियो मत बनाओ बोलेगी, तो नहीं बनाएंगे ना जबरदस्ती नहीं। तो अभी तो जा रहे हैं उस पार, इस पार आए थे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट, तो सब्जी तो खरीद लें, तो जा रहे हैं अभी उस पार, तो फिर चलो। तो अभी ना यहाँ खड़ा हुए हैं सीढ़ी जगह, क्योंकि यहाँ पर अच्छा छाँव है। और बस स्टैंड ना वो उधर है, देखो यहाँ से दिखता होगा वो उधर पीछे तरफ, हाँ तो उधर है बस स्टैंड। तो यहाँ से दिख रहा है बस आएगा, तो इसका सहेली बस में आ रही है। तो बस आएगा तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, जब बस आएगा तो नीचे जाएंगे, क्या कि उधर जाएंगे तो धूप लग रहा ना, इसीलिए बस यही जगह है। यहाँ मस्त छाँव है, तो यहाँ रुके हुए हैं अभी। दीदी मस्त दिख रही है, हाँ सच में कितना मस्त दिख रही है। पर पीछे का सीढ़ी, नया वाला सीढ़ी बना है ना मनोहरपुर का स्टेशन का, वो गजब है दिख रहा है। अभी अभी क्या हो गया, अभी अभी काला दिख रहा है। अरे ऐसे घूम घूम के वीडियो बनाने और घर में रह के वीडियो बनाना ना अलग ही अंतर है। अभी इधर हैं दीदी के साथ, तो दीदी भी कुछ नहीं बोल रही है, घर में रहती है ना तो मस्त कुछ कुछ बोलते रहती है ना, तो ऐसे वीडियो बनाना अजीब सा लगता है ना, कि कोई देख रहा है कोई कुछ बोल देगा ऐसा लगता है। लेकिन आदत बना रहे वीडियो बनाने का, आदत और लत तो चढ़ गया है। वीडियो नहीं बनाता हूँ तो अच्छा लगता नहीं है। तो मेरा डेली व्लॉग तो अपलोड होता ही होता है 9 बजे कन्फर्म। तो गाइस अभी भी ऐसे ही व्लॉग बना रहे हैं, और दीदी के साथ ना आज फर्स्ट बार, मतलब फर्स्ट ऐसे होता है ना, पहली बार आज मार्केटिंग करना है दीदी के साथ। और कैसा रहा, कैसा रहा, क्या खरीद लिए, क्या खरीदे हम लोग भूल गए हम तो। अरे खरीदे बताएं, बार बार बताएंगे तो आप लोगों को भी बोर लगेगा। तो अभी तो इंतजार कर रहे हैं कितना समय आएगी इसका फ्रेंड, तो देखते हैं बस कितना समय आता है। और अभी टाइम भी बहुत हो गया, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम देखते हैं। अभी टाइम देखो 2 बजने वाला है, 1:59 हो चुका है, तो अभी 2 बजने वाला है। तो अभी बस आ जाएगी, तो उसका फ्रेंड को लेकर चलेंगे घर, उसके बाद आप लोगों को मिलाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं मिलाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो गाइस अभी उसका फ्रेंड आएगी, सहेली, हाँ सहेली बोला जाता है ना, तो लेकर जाएंगे घर, उसके बाद मिलते हैं। और आज कर्मा पर्व भी है, अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा आज, आज का दिन मतलब कि 2 ब्लॉग हो जाएगा अगर ज़्यादा लंबा होगा तो, या फिर मैं इसी में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं घर में। तो दीदी की सहेली आ गई है, जाओ बात करते करते मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो अभी गाइस घर पहुँच गए, और ये वीडियो शायद बहुत लंबा बन जाएगा, तो ये वीडियो यही जगह एंड करेंगे। उससे पहले मैं अपना करम अखाड़ा दिखाता हूँ, चलो। तो ये रहा कुछ इस टाइप का है,
ये अखाड़ा, तो आज ये अखाड़ा रात में, मतलब अखाड़ा ये रात में, मैं अजीब बोल रहा हूँ ना, तो अखाड़ा में आज रात को थोड़ा डांस होगा जबरदस्त वाला। तो ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो ये वीडियो मैं यही जगह एंड करता हूँ ये ब्लॉग आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और आज ही बनाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय। तुमको ना लाने गए थे, अभी रिकॉर्ड हो गया।